हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आज से ऑनलाइन क्लास क्लास सिक्स। वी आर कंटिन्यू डिस्कस चैप्टर फोर। लास्ट पीरियड में हमने देखी चैप्टर फोर स्टार्ट किया था बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज। उसके अंदर हमने पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट्स एंड लाइन डिस्कस किए थे। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1। क्वेश्चन नंबर 7, नेम द लाइन गिवन इन ऑल पॉसिबल 12 वेज choosing only two letters at a time from the four given. Line आपके पास given, आपके पास all possible 12 ways आपको write करने, two points एक साथ लेकर, ठीक है। A B C D ये line आपके पास given है, जैसे कि हमने last period में discuss किया था। line के दोनों side arrow होंगी, उसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं बोथ साइड्स, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड। तो हमारे पास देखिए दोनों साइड ये एरो है, इसमें से लाइन हमारे पास भी बने। हमें ऑल पॉसिबल टू पैड्स लेकर 12 वेज आपको राइट करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हमने लिया ए बी, देखिए ए बी ये लाइन है, तो दोनों साइड एरो होगा हमारे पास ए बी। फिर आप ले सकते हो ए सी, ए सी दोनों साइड एरो राइट करके। फिर आप ले सकते हो ए डी, ए डी दोनों साइड राइट करके। अब उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट पर आइए, बी सी राइट कर सकते हो, बी सी। उसके बाद बी डी, फिर इसके बाद आप सी डी राइट कर सकते हो। अब इसके बाद देखिए रिवर्स प्रोसेस भी हम कर सकते हैं। ये तो हमारे पास लेफ्ट टू राइट था, अब राइट टू लेफ्ट भी हम कर सकते हैं। बी सी जस्ट इसी का रिवर्स करते हैं, जो हमारे पास जो सिक्स बन गई है हमारे पास लेफ्ट टू राइट, जस्ट उसी का हमें क्या करना है रिवर्स। ए बी को हम बी ए राइट कर सकते हैं, सी ए बी ए सी बी डी डी एंड डी सी, जस्ट इसी के रिवर्स कर देते हैं। बी ए बहुत सही डायरेक्शन, बिकॉज इट इज लाइन सी ए बी ए सी बी बहुत साइड एरो, याद रहे बार के ऊपर हमें बहुत साइड एरो राइट करने, बिकॉज इट इज लाइन डी बी डी सी। ऑल पॉसिबल 12 वेज आ गए हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ऑल पॉसिबल 12 वेज हमने राइट कर दिए लाइन के साथ। अब देखिए लास्ट पीरियड में हमने लाइन सेगमेंट पर डिस्कस किया, तो वो फिक्स लेंथ होगी, इट मीन्स जो हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारे पास फिक्स होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे लाइन सेगमेंट। तो लाइन और लाइन सेगमेंट में डिफरेंस आपको पहले बता दिया था हमने लास्ट पीरियड में, और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस किया था। ऐसे ही आप एक्सरसाइज 4.1 के वो जो रिमेनिंग क्वेश्चन है उनको आप इजीली अटेंड कर सकते हो।